अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो थीम शेयर करूंगा उसका नाम है फ्रेश यूआई 3D। इसमें आपको 3D आइकन जो है देखने को मिलेंगे और यहां पे आपको बहुत ही कमाल का यहां पे क्लॉक विजेट देखने को मिलेगा। आई थिंक ये पहला ऐसा क्लॉक विजेट है जो आपको रियलमी और ओप्पो थीम्स में देखने को मिलेगा। काफ़ी प्रीमियम लुक आपकी डिवाइस को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। वन ऑफ द मोस्ट एंड बेस्ट थीम आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगी। ओप्पो और रियलमी थीम्स के रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे थीम्स देखने को मिलती है मेरे चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस थीम का पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर शो हो जाता है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, स्किप ना किया करें और उसके साथ आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम आईडी शो रही होगी, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर मैं थीम्स के रिलेटेड वहाँ पर अपडेट्स डालता रहता हूँ। आप मुझे टेलीग्राम जो है मेरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ग्रुप भी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं डेली बेसिस पर अपडेट्स डालता रहता हूँ और उसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि थीम्स के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने इस थीम को कैसे परमानेंटली अपनी डिवाइस के अंदर अप्लाई करना है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि ये थीम रियलमी UI 1.0 और कलर 7 में फुली वर्किंग है। कलर 7.1 में ये फुली वर्किंग नहीं है और उसके साथ कलर OS 11 में भी फुली वर्किंग नहीं है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ मेरे पास कोई भी एंड्रॉयड 11 कलर OS 11 जो है रनिंग डिवाइस नहीं है, इसलिए मैं उसकी थीम्स नहीं बना पाता। और यहाँ पर मैं रियलमी XT को यूज़ कर रहा हूँ जिसमें रियलमी 1.0 का Realme UI 1.0 का जो है अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी मेरे पास Realme UI 2.0 का अपडेट नहीं मिला तो इसलिए मैं 2.0 की भी थीम्स अभी नहीं ला पा रहा, तो इसके लिए जो है आप अंडरस्टैंड करें। जैसे ही मेरे पास कोई डिवाइस अवेलेबल होगी मैं आप दोस्तों के लिए लाजमी जो है ये थीम बनाऊँगा, कलर OS 11 के लिए भी और Realme UI 2.0 के लिए भी। तो उस वक्त तक के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें और आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। फ्रेंड्स, थीम को अप्लाई करने से पहले आपके पास जो थीम स्टोर का वर्जन है वो होना चाहिए 7.1.1, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके साथ जो iMode Pro ऐप है उसका जो वर्जन है वो आपके पास होना चाहिए 1.3.4, तभी ये थीम आपकी डिवाइस में परमानेंटली वर्क करेगी विदाउट एनी 5 मिनट ट्रायल एरर। अगर आपके पास 7.4 है तब भी ये थीम उस डिवाइस के अंदर जो है अप्लाई हो जाएगी और बगैर किसी 5 मिनट ट्रायल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन लिंक से इस थीम फाइल को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद ओपन करना है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद फोन स्टोरेज में जाना है जहां पे आपने थीम को डाउनलोड करके रखा होगा, उस फोल्डर को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पासवर्ड देकर इस थीम को आपने एक्सेप्ट कर लेना है और उस थीम पर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने को मिलता है तो इसको आपने अलाउ कर देना है, बैक आना है, फिर दोबारा टैप करना है। तो यहाँ पर आपको इस थीम का कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टी जो है चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलेंगे, मल्टी लॉक स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी। काफ़ी यहाँ पे आपको कमाल की थीम देखने को मिलने वाली है। तो ट्राई मी के बटन पर आपने क्लिक करना है, थीम अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। थीम अप्लाई होने के बाद 5 मिनट ट्रायल का एरर जो है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने ओपन कर लेना है iMode Pro ऐप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपने 1 से 2 मरतबा टैप करना है। थीम आपके परमानेंट हो जाएगी, कोई भी आपको एरर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बात करें यहाँ पे थीम की तो होम स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही कमाल का। यहाँ पे आपको क्लॉक विजेट देखने को मिलेगा और कमाल का 3D आइकन पैक भी आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ अगर हम बात कर लें नोटिफिकेशन पैनल की तो यहाँ पे आपको न्यू लुक देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन पैनल के अंदर तमाम यहाँ पे आपको न्यू आइकन देखने को मिलेंगे और 3D इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। डायलर पैड की बात करें तो यहाँ पे आपको डायलर पैड का लुक भी 3D इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफ़ी प्रीमियम लुक आपकी डिवाइस को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। सेटिंग का इंटरफेस आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3D आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे सेटिंग इंटरफेस के। यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो जैसे यहाँ पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और नीचे भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ पे आप क्लॉक स्टाइल को यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन और भी देखने को मिल जाते हैं, लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, चार्जिंग एनिमेशन के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, चार्जिंग स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं
तो वो भी कर सकते हैं, और उसके साथ कैमरा हाइड करना चाहते हैं, एप्लीकेशंस हाइड करना चाहते हैं, और उसके साथ काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप इस थीम को अपनी डिवाइस के अंदर अप्लाई करेंगे तो इन ऑप्शंस को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन की, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग एनिमेशन का लुक कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 कलर्स जो है चार्जिंग एनिमेशन में देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप टैप करेंगे तो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कलर को चेंज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इसका कलर जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है, और उसके साथ कोई और कलर यहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये कलर और चेंज हो चुका है, और उसके साथ साथ आप चार्जिंग एनिमेशन जो है चेंज करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप चार्जिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक और चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन के अंदर, और उसके साथ एक और चार्जिंग एनिमेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चार्जिंग एनिमेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन के अंदर, काफ़ी अच्छी लुक आपकी डिवाइस को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी थीम भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की थीम्स मैं आपके लिए लाता रहूँ तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक नई थीम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।